हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास एट का स्टैंडर्ड एट का और एरिया चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ट्रायंगल के एरियाज फाइंड आउट कर लिए थे, हाइट वाले भी, विदाउट हाइट वाले भी। अब इस वीडियो में हम लोग एरियाज, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, एरियाज हैविंग इररेगुलर शेप, ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं। पेज नंबर 102 पे सॉल्व एग्जाम्पल है। इसको इसने बोला है कि एडजेसेंट फिगर एक पॉलीगॉन की दी हुई है और इस पॉलीगॉन में इस पूरे पॉलीगॉन का हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस पॉलीगॉन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस फिगर को कि यहाँ पे तीन ट्रायंगल बन रहे हैं और एक ट्रेपेजियम है। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल इज दिस। तीन ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे पहचानेंगे आप? ये दो पैरेलल साइड्स हैं इसकी, ए क्यू एंड ई आर ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स एंड दिस इज हाइट 12 + 15। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर तीन बार ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा बेस इनटू हाइट, क्योंकि तीनों ट्रायंगल में हाइट है, हाइट्स है। ठीक है, और एक हम लोगों को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेना पड़ेगा एरिया के लिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जांपल। ये सॉल्व एग्जांपल आपको करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो 15.5 प्रैक्टिस सेट है इसमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा सॉल्व एग्जांपल में। तो हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को बहुत आसानी होगी कि हम लोग प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, पेज नंबर 102। ओके, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर ली है। इसकी नेमिंग सेम टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं दूंगी, ए बी सी डी ई, दिस इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, ई ना, बी क्यू की लेंथ कितनी दी हुई है? 10, दिस इज 10। अब यहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन कर लें, अपनी टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दें कि यहाँ पर एक मेजरमेंट ये लोग प्रिंट करना शायद भूल गए हैं क्वेश्चन में, एक मेजरमेंट नहीं है, वो है ए क्यू की। ठीक है, ए क्यू यहाँ पर 13 है। ये लोग आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर ले, यहाँ पर ए क्यू की लेंथ प्रिंट होना मिसप्रिंट, ए क्यू की लेंथ नहीं प्रिंट हो पाई है। तो आप लोग यहाँ पर अपने टेक्स्ट बुक में इसको यहाँ पर ए क्यू की जगह पर मेजरमेंट 13 लिख लें और क्यू पी कितना है? 12। ओके, ई आर कितना है? 17, आर डी 16, पी सी 10। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी मेजरमेंट्स लिख ली हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल ए बी क्यू से। ठीक है, पहला ट्रायंगल हम लोग कौन सा ले रहे हैं? ये वाला। मैं शेडेड कर देती हूँ आपको पेंसिल से। वी आर टेकिंग दिस ट्राइंगल ए बी क्यू। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने ट्राइंगल का। देयरफॉर एरिया ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है मेरे पास? 10 इंटू 10 इंटू 13। मैंने बोला आप लोगों को ए क्यू मेजर प्रिंट नहीं है, आप लिख लें अपने पेंसिल से या पेन से उस पर फिगर में। 2 1s 2 5s 13 इंटू 5 कितना होता है? 65।
65 स्क्वायर मीटर्स, मीटर में दी हुई है साइड की हाइट, तो मैंने मीटर में लिखी। एक्चुअली यहाँ पर कुछ शायद मेंशन ही नहीं है मीटर और सेंटीमीटर, तो आप अपने ओन से भी डाल सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स दिए हुए, मीटर और सेंटीमीटर इज़ नॉट गिवन। सेकेंड ट्राइंगल मैं लूँगी ई आर डी, विच वन ई आर डी, ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें मार्किंग कर दे रही हूँ, सो दैट आपको आसानी हो पहचानने में। पहला वाला हम लोगों ने ये ले लिया, नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड। ठीक है, तो ये दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ई आर डी, ई आर डी। ये ई आर डी, ठीक है, ये 17 है, ये 16 है, इज इक्वल टू बेस इंटू हाफ, सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है 16 इंटू 17, 2 8 16, तो कितना आया मेरे पास 17 8 136 स्क्वायर मीटर्स। ये मेरे पास फर्स्ट मिला मुझे एरिया, ये सेकेंड एरिया मिला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई आर डी। ठीक है, अब थर्ड ट्राइंगल ले लूँगी मैं, कौन सा, बी सी डी सी, ब्लैक से मार्किंग कर देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। इसमें ये हाइट है और ये बेस है मेरा, लेकिन बेस यहाँ पे तीन पोर्शंस में है। देखिए आप यहाँ पर पहले बी क्यू है, फिर क्यू पी है, फिर पी आर है, फिर ई डी है, तो यहाँ का इस ट्राइंगल का बेस लेने के लिए मुझे इन तमाम मेजरमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ थर्ड वन, थर्ड पार्ट मेरा क्वेश्चन का, इन ट्राइंगल बी डी सी लेंथ बी डी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी आर प्लस आर डी। ठीक है, चार टुकड़े थे इस लेंथ के, चारों सेगमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया, कितना आएगा 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16, कितना हो गया 2 7 7 and 6 13 1 2 3 4 5 53। ठीक है, 53 मीटर्स। ओके, अब ये मुझे इस ट्रायंगल के लिए, मुझे इस ट्रायंगल के लिए ये वाला मेरा पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये मेरा पूरा बेस है और ये मेरे लिए हाइट है। ठीक है, तो कितनी हाइट है मेरे पास 10 है और बेस तो मैंने मालूम किया 53, तो अब मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस कितना है, हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया
दिस वन बी डी, ठीक है, ये मेरी हाइट है, फिफ्टी थ्री इंटू टेन, ये हाइट मेजर है यहाँ पे, ये हाइट मेजर है यहाँ पर, ठीक है, टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा, कितना मिला मुझे, फिफ्टी थ्री इंटू थ्री कितना होता है, टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव स्क्वायर मीटर्स, ये मुझे थर्ड एरिया मिला, कौन सा मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। मैं इसको भी मार्किंग कर लूँगी सो दैट जब मैं अपना पूरा सम फिनिश करूँ तो मुझे ऐड करने में ढूँढना ना पड़े बहुत सारा। ये मेरा फर्स्ट हुआ, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एरिया, ये फर्स्ट एरिया मिला मुझे, ये मेरा सेकेंड एरिया मिला, और दिस इज़ थर्ड एरिया, तीनों ट्राइंगल्स के मिल गए मुझे एरिए। अब मुझे ट्रेपेजियम का निकालना है, ठीक है, तो मैं ट्रेपेजियम का निकालूंगी, एरिया ये मेरा फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पोर्शन प्लॉट का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू ए क्यू आर ई इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ट्रेपेजियम की फॉर्मूला आपको बाय हार्ट है क्या, क्या था, वन अपॉन टू इन टू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स इन टू हाइट, यही था राइट, ओके, तो मैं फॉर्मूला लिखूँगी पहले, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इन टू हाइट, ये मेरे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था, ठीक है, वन अपॉन टू, तो क्या है यहाँ पर पैरेलल हाइट्स कौन कौन सी है, ये एक ये है ए क्यू और एक ई आर है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है बेटा, दिस इज ये ट्रेपेजियम है मेरा, ठीक है, दिस वन, ये एक पैरेलल साइड, ये दूसरी पैरेलल साइड, और दिस इज हाइट, ठीक है, तो एक पैरेलल साइड ए ई ली मैंने, ए ई प्लस ई आर, हाइट क्या है, क्यू आर, ठीक है, तो वन अपॉन टू इंटू थर्टीन प्लस सेवेंटीन इंटू, हाइट कितनी है, ये है तो ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन, क्यू पी प्लस पी आर, क्यू पी प्लस पी आर कितना हो जाएगा, ये क्यू पी प्लस पी आर ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन, ठीक है, वन अपॉन टू इंटू थर्टीन और सेवेंटीन कितना होता है, थर्टी, थर्टी इंटू, और ये भी कितना होता है, ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन इज ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन, टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा कितना आया मुझे, फोर हंड्रेड एंड फाइव, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर ई इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड फाइव स्क्वायर मीटर्स, ये मुझे फोर्थ एरिया मिला, दिस इज माय फोर्थ एरिया, एरिया फोर्थ, ठीक है, अब जो पूरा प्लॉट का एरिया है चारों एरियाज को ऐड कर देना है, दिस इज एरिया वन, दिस इज एरिया टू, दिस इज थर्ड एरिया एंड दिस इज फोर्थ एरिया, तो ये चारों को हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन पहले लिखना है, देयरफॉर एरिया
of polygon A B C D is equal to, पहला क्या है, फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ए क्यू बी दैट इज 65 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ, सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ ई आर डी, ट्राइंगल ई आर डी प्लस थर्ड क्या है, एरिया ऑफ बी डी सी, एरिया ऑफ बी डी सी प्लस फोर्थ वन इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर ई, ठीक है। अब सबकी मेजरमेंट्स डाल देना है। पहला एरिया कितना था, 65, देखिए इधर 65 था, दूसरा 136, थर्ड बी डी सी कितना है, 265 प्लस फोर्थ वन इज 405, ठीक है। ये सबको ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 871 स्क्वायर मीटर्स, ये सबको ऐड कर देना, 871 स्क्वायर मीटर्स, 71 स्क्वायर मीटर्स मिलेंगे। नाउ वर्डिंग्स में लिख देना है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ऑफ पॉलीगॉन इज 171 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये सॉल्व हो गई हमारी सॉल्व एग्जांपल। सेम इसी तरह 15.5 में प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले एक 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 करके हम लोगों ने ट्रायंगल की निकाले, फिर ट्रेपेजियम का निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने एरिया, उसको निकालने के बाद चारों को ऐड किया और एरिया मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.5। आई थिंक 15.5 का जो ये फर्स्ट और सेकेंड सम है, ये भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो अगर मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूँगी तो मे बी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो विल डू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 15.5। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।